हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फेरम मटेलिकम मेडिसिन को एलन स्कीनोर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेरम मेट एक एलिमेंट है आयरन, बहुत ही अच्छी रेमेडी है एनीमिया के लिए, साथ ही साथ बहुत ही अच्छे मेंटल सिम्टम्स है इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्टिट्यूशन से। पर्सन्स ऑफ सैंग्वाइन टेम्परामेंट, एसा टेम्परामेंट, जो कि रेडनेस रहेगी जो कि फॉल्स रहेगी, ठीक है। पीटी क्वारलसम रहेगा, डिस्पेटिव, ईजिली एक्साइटेड हो जाएगा चीज़ों के लिए, लिस्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन एंगस, ठीक है। थोड़ा सा अभी कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बात करी तो उसको गुस्सा आ जाएगा। ऐसे ही हमको एनाकार्डियम, कोकुलस और इग्निशिया में देखने को मिलता है। एमुलरेशन होता है इसको मेंटल एग्जर्शन से, ठीक है। वुमेन हु आर वीक, डेलिकेट, क्लोरेटिक, हैव येट अ फायरी रेड फेस, ठीक है। ऐसी औरतें जो कि बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई, जिनको क्लोरेटिक जो एनीमिया के कारण जो पेलनेस होती है वो हो गई है और फेस फायरी रेड है। तो मेंटल जनरस देखते हैं, तो इरिटेबिलिटी है पेशेंट में, स्लाइटेस्ट नोस लाइक क्रेकलिंग अ पेपर ड्राइव हिम टू डिस्पेयर, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर पेपर की का भी अगर नॉइस आया क्रैकलिंग, उससे भी वो डिस्पेयर हो जाता है, चिंतित हो जाता है, गुस्सा आता है उसको। एसआरएम और टैरेंटुला भी मेडिसिन है इस टाइप की इरिटेबिलिटी के लिए। अब देख लेते हैं फिजिकल जनरल्स को। एक्सटर्नल पेनलेस ऑफ द फेस, लीप, म्यूकस मेम्ब्रेन विच बिकम रेड, फ्लश ऑन लिस्ट, पेन, इमोशन, एक्सर्शंस, ठीक है, ब्लशिंग्स। तो थोड़ा सा भी बाहर से अगर हम देखेंगे किसी पेशेंट को तो यूजुअली वो पेल दिखता है, ठीक है, ऐसा लगता है एनीमिया है, बट जैसे ही कुछ पेन आया, इमोशन आया, कुछ भी एक्साइटमेंट आया तो पूरा रेड हो जाता है और ब्लशिंग करने लगता है, ठीक है। अमाइल नाइट्रोसम और कोका में भी ये सिम्टम है। इरिथिटिक क्लोरोसिस वर्स इन अ विंटर, ठीक है, क्लोरोसिस देखने को मिलेगी हम लोगों को इरिथिटिक, जो कि वर्स हो जाएगी विंटर्स में, रेडनेस वाली, ठीक है, क्लोरोसिस जैसे कि ऊपर वाला सिम्टम पड़ा हमने उस टाइप की। रेड पार्ट जो होंगे वो वाइट हो जाएगा, फेस, लिप, टंग, म्यूकस मेम्ब्रेन और माउथ, ठीक है। जो रेड पार्ट है वो सारे हमको कैसे दिखेंगे, वाइट कलर के। हेमरेजिक डायथीसिस है, ब्लड निकलता है, ब्लड जो का कैरेक्टर उसका ब्राइट रेड कलर का रहेगा और कोगुलेटेड रहेगा, इजीली कोगुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो कोगुलेटेड ब्लड हमको फेरम फोस, इपीकॉक और फॉस्फोरस में भी देखने को मिलता है। ऑलवेज फील बेटर बाय वॉकिंग स्लोली अबाउट, ठीक है, जैसे ही धीरे धीरे पेशेंट चलेगा उसको बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्दो वीकनेस ऑब्लिगेट द पेशेंट्स टू लाइट डाउन, ठीक है, धीरे धीरे चलता है लेकिन वीकनेस इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट को सोना ही पड़ता है, लाइट डाउन होना पड़ता है। ड्रॉप्सी देखने को मिलती है हमको आफ्टर लोस ऑफ वाइटल फ्लूड्स, वाइटल फ्लूड्स लोस हो गए उसके कारण हमको ड्रॉप्सी देखने को मिलता है। अब्यूज ऑफ क्विनिन है या फिर सप्रेस्ड हो गया इंटरमिटेंट, जो इंटरमिटेंट फीवर्स को अगर सप्रेस्ड किया उसके बाद भी ड्रॉप्सी देखने को मिल सकती है। कार्बोवेज और चाइना में भी ये सिम्टम है। कैनाइन हंगर है और लॉस ऑफ एपेटाइट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको भूख लगती है या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगी, भूख नहीं लगेगी। विद एक्सट्रीम डिसलाइक फॉर ऑल द फूड, ठीक है, कुछ भी चीज़ें पसंद नहीं है, सारे ही फूड उसको डिसलाइक है। हेड सिम्टम्स देखते हैं तो वर्टाइगो है विद बैलेंसिंग सेंसेशन एज इफ ऑन वाटर, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि वो पानी में चल रहा है, ऐसा उसको वर्टाइगो है। ऑन सीविंग द फ्लोइंग वाटर या फिर कोई चलते पानी बहते हुए पानी को देख लिया उसके कारण भी उसको वर्टाइगो होगा। व्हेन वॉकिंग ओवर वाटर या पानी के ऊपर चल रहा है और एज व्हेन क्रॉसिंग द ब्रिज या तो ब्रिज क्रॉस करेगा उसके बाद भी उसको वर्टाइगो होगा। लाइसिना में भी ये सिम्टम है। ऑन डिसेंडिंग, डिसेंडिंग से जो है वर्टाइगो बोरेक्स, सैनिकुला और अपनी फेरम मेट को होता है। अब है हेडेक का कैरेक्टर, जैसे ही एनीमिया में हेडेक होता है वैसे ही इसको होता है। हैमरिंग, बीटिंग, पल्सेटिंग पेन, मस्ट लाई डाउन विथ एवर्जन टू ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाने पीने से एवर्जन है उसको, फॉर 2 to 3 or 4 days एवरी 2 or 3 weeks, ठीक है, या तो 2 या 3 दिन या फिर 4 दिन, हर 2 या 3 वीक में उसको ऐसा हेडेक होने ही लगता है। जीआईटी सिम्टम्स को देखते हैं तो रिगर्जिटेशंस होगा, जो फूड खाया वो रिगर्जिटेट होता है, वापस आता है। इरिटेशंस आती है, अ फूड इन अ माउथ फील्स, ठीक है, खाना खाया उसके बाद जो चीज़ खाई उसी की इरिटेशंस आएगी। एलुमिना में भी ये सिम्टम है लेकिन नोजिया नहीं होता, विदाउट नोजिया, ठीक है। वॉमिटिंग होगी इमिडिएटली आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट के इमिडिएटली उसको
वॉमिटिंग होने लगेगी। इंजेस्टा की जो उसने खाया है उसका, एज सून एज फूड इज ईटन, जैसे ही उसने खाना खाया, लीव द टेबल सडनली, एकदम से टेबल से उठेगा पेशेंट, एफोर्ट्स करेगा, वॉमिटिंग करेगा, जब सारा सब कुछ निकाल देगा वापस आके बैठ जाएगा टेबल पे और फिर से खाने लग जाएगा। ठीक है, सोर एसिड की उसकी वॉमिटिंग होती है। लाइकोपोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड में भी सोर एसिडिक वॉमिटिंग होती है। ये इसका की नोट है, कैसे वो खाना खाएगा, वॉमिटिंग करेगा और वापस आके खाना खाने लग जाता है। डायरिया, अनडाइजेस्टेड स्टूल होता है उसको रात में, और वाइल ईटिंग के टाइम भी हो सकता है और ड्रिंकिंग के टाइम भी हो सकता है। ठीक है, तो क्रोटोन टिंग में भी ईटिंग और ड्रिंकिंग के टाइम पे डायरिया होता है, पेनलेस डायरिया होता है, साथ में एपेटाइट तो गुड है, खाता पीता अच्छा है वो, ऑफ कंसेप्टिव। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जो है इसको फॉर्म इंटेस्टाइनल एटोनी के कारण होता है, इनएफेक्चुअल अर्जिंग्स होती है उसको, स्टूल किस टाइप का कैरेक्टर रहेगा उसका, हार्ड रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, फॉलो बाय बेकेक होता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ बेकेक हमको फेरमेट में देखने को मिल रहा है, क्रेम्स आएंगे, पेन इन रेक्टम में, प्रोलैप्स रेक्टाई इन चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं उसमें रेक्टम प्रोलैप्स देखने को मिलेगा, ईचिंग मिलेगी एनस में रात के टाइम पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो मेंसेस जो है टू अर्ली टू प्रोफ्यूज, ठीक है, जल्दी से मेंसेस आएंगे, प्रोफ्यूज रहेंगे बहुत ज़्यादा और लंबे टाइम तक रहेंगे, विथ फायरी रेड फेस देखने को मिलेगा, रिंगिंग मिलेगी कानों में, इंटरमिटेंट टू और थ्री डेज, ठीक है, दो या तीन दिनों के लिए इंटरमिटेंट्स रहेंगे और देन रिटर्न फिर से आ जाएंगे, फ्लो होगा पेल, वाटरी और डेबिलिटेटिंग रहेगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूँ, कफ होगा ओनली डे टाइम में उसको, जैसे कि यूफ्रेशिया में हमने देखा था, रिलीव बाय लाइंग डाउन, लाइंग डाउन से अच्छा हो जाएगा, और ईटिंग से भी इसका कफ एग्रावेटेड होगा। ठीक है, स्पॉन्जिया में भी ये सिम्टम है। अब देखते हैं मॉडलिटीज़ को, तो एग्रावेशन होता है इसको रात में, रेस्ट पे करने के बाद एग्रावेशन होता है, स्पेशली वेल सीटिंग स्टील, ठीक है, जैसे ही बैठा है वैसे एग्रावेशन होता है। एम्बुलरेशन हमको पता है, वॉकिंग स्लोली अबाउट से, और समर्स में फेरामेट को एम्बुलरेशन होता है। रिलेशन में देखते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री है एलुमिना की और चाइना की, चाइना से इसको कंपेयर करेंगे तो ये वेजिटेबल एनालॉग है, फॉलो करती है वेल नियरली ऑल द डिसीजेस और एक्यूट और क्रोनिक सभी चीज़ें। हमें को पता है चाइना भी एक रेमेडी है फ्लूड लॉसेस की, हेमरेज की, एनीमिया की, वैसी ही एक रेमेडी फेरामेट। ठीक है, शुड नेवर बी गिवन इन सिफिलिस, सिफिलिस में हमको कभी भी फेरामेट नहीं देना है, ऑलवेज क्या करेगी, एग्रावेट कर देगी पेशेंट की कंडीशन को। ठीक है, तो ये थी रेमेडी फेरामेट फ्रॉम एलन्स की नोट। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।